All set to wrestle fam, my name is Jay and with this brief, let's start this video. So दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 longest reigning WWE champions of all time. यानी कि वो सुपरस्टार जो कि सबसे ज्यादा टाइम तक WWE champions रहे हैं और कितने टाइम तक रहे हैं ये भी. तो now without wasting ज्यादा टाइम, let's get into this video. तो दोस्तों सुपरस्टार नंबर 10 की बात करें तो वो है Hulk Hogan. और दोस्तों उन्होंने WrestleMania 5 में WWE championship को जीता था और WrestleMania 6 तक champion रहे थे और उनका टाइटल रेन था 364 डेज का. पूरा साल कंप्लीट होने से वो बस एक ही दिन पीछे रह गए थे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सुपरस्टार, ही इज रैंडी सैवेज. और उन्होंने रेसलमेनिया 4 में हुए एक टूर्नामेंट को जीता था और तब बने थे वो एक WWE चैंपियन और उनका टाइटल रेन था 371 डेज का. और ये एक टाई है हमारे अगले सुपरस्टार के साथ जो कि है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स. उनका रेन शुरू हुआ था जब उन्होंने स्मैकडाउन के एक शो पर जिंदर महल को हराया था और बन गए थे WWE चैंपियन. और उसके एक साल बाद फिर उन्हें डेनियल ब्रायन ने हरा दिया था और उनका टाइटल रेन जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि एक टाई है रैंडी सैवेज के साथ, क्योंकि वो भी 371 डेज के लिए ही चैंपियन रहे थे. तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ ऑन नंबर 7 जो कि है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना. दोस्तों जॉन सीना ने 2006 में जब WWE चैंपियनशिप को जीता था उस टाइम पर वो इतने ज्यादा डोमिनेंट थे कि अगर कोई बंदा उन्हें हरा सकता था तो वो खुद जॉन सीना थे. वो 381 डेज के लिए WWE चैंपियन रहे थे लेकिन उन्हें एक इंजरी की वजह से अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ा था. वो उसे हारे नहीं थे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑन नंबर 6, ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM Punk. दोस्तों WWE हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा और कॉन्ट्रोवर्शियल नाम CM Punk, जिनके चैंट्स उनके WWE से जाने के 7 साल बाद भी हमें सुनने को मिलते हैं. वो WWE चैंपियन रहे थे 434 डेज के लिए. दोस्तों और अब टॉप 5 सुपरस्टार जो इस वीडियो में रह गए हैं, शायद उनमें से कुछ के नाम तो आपने सुने भी ना हो क्योंकि वो बहुत पुराने सुपरस्टार्स हैं. तो अगर आप उन्हें जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो टेंशन की बात ही नहीं है यार. अगर आप CM Punk की स्टोरी नहीं जानते कि क्यों उनका नाम इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्या हुआ था WWE और CM Punk के बीच और क्या CM Punk करेंगे WWE में अपना रिटर्न या नहीं, तो उस पर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं. उसका लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो पर जा सकते हैं. लेकिन अगर आप नेक्स्ट 5 सुपरस्टार्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो चलो फिर मेरे साथ आगे. मैं CM Punk की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप उसे बाद में भी देख सकते हो. तो अब हम बात करते हैं सुपरस्टार नंबर 5 की जो कि है पेड्रो मोरेल्स. और इन्होंने WWE चैंपियनशिप को 1971 में जीता था और 1973 के एंड तक चैंपियन रहे थे और इनका टाइटल रेन था 1027 डेज का. पहले के टाइम पर सच में बहुत ज्यादा लंबे टाइटल रेन्स हुआ करते थे. अब हम बात करते हैं अपने अगले सुपरस्टार की जो कि है ब्रूनो सेमर्टिनो. और इनका WWE चैंपियनशिप का टाइटल रेन था 1237 डेज का. इनके बारे में अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, वीडियो देखते रहो आपको खुद ही पता चल जाएगा. तो चलते हैं अपने अगले सुपरस्टार की तरफ जो कि हैं अगेन हल्क होगन. जी हाँ दोस्तों, पहले भी उनका नाम इस लिस्ट में आ चुका है लेकिन उनका एक और WWE चैंपियनशिप का टाइटल रेन भी रहा था जो कि था 1474 डेज का, यानी कि लगभग 4 साल. आप आइडिया लगा ही सकते हैं पहले के टाइम पर टाइटल रेन्स कितने ज्यादा लंबे होते थे. नाउ कमिंग टू द सुपरस्टार ऑन नंबर 2, ही इज बॉब बैकलैंड. और दोस्तों उनका WWE चैंपियनशिप टाइटल रेन 2000 से भी ज्यादा दिनों का था जो कि था 2135 डेज. एंड नाउ कमिंग टू द फाइनल सुपरस्टार ऑन नंबर 1, ही इज ब्रूनो सेमर्टिनो. फिर से इनके दो लेंथी टाइटल रेन्स रह चुके हैं WWE में और ये वाला तो WWE की हिस्ट्री का WWE चैंपियनशिप का सबसे लंबा टाइटल रेन था, जो कि सुनकर आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये टाइटल रेन था 2803 डेज का, यानी कि ब्रूनो लगभग 7 सालों तक चैंपियन रहे थे. सोचो अगर आज के टाइम पर ऐसा हो तो क्या होगा. तो दोस्तों ये थे 10 लॉन्गेस्ट रेनिंग WWE चैंपियंस ऑफ ऑल टाइम. जो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है ना, इस पर क्लिक करके आप फैक्ट सीरीज के 6 और पार्ट्स देख सकते हो जो कि सच में बहुत ज्यादा मजेदार है. ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें. रेसलिंग रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जुड़ जाओ रिरेसल फैमिली में. नाउ विद दिस ब्रीफ, लेट्स एंड द वीडियो.